हंसते भागे फर्म से आगे जिंदगी से। तो है गाइज, वेलकम बैक टू न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो। गाइज, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ आरएनएस का मोस्ट चीपेस्ट लेदर बैट का, जो कि गाइज सुपरलेटिव कश्मीर विलो बैट है। एंड गाइज, मैं इसका फुल डिटेल्स रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और मैं एंड में खेल कर भी बताऊंगा कि बैट का क्वालिटी वगैरह कैसा है, और बैट को रेटिंग भी दूंगा। तो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये रहा हमारा बैट। बैट एक अच्छा खासा कवर के साथ, आरएनएस के कवर के साथ आता है। यहाँ पे लार्सन लिखा हुआ है ब्रांडिंग, और गाइस आप देख सकते हो ये है हमारा बैग। आप लुक चेक कर सकते हो गाइस, इसका जो स्टिकरिंग वगैरह बहुत खूबसूरत है, अच्छा स्टिकर दिया गया है, और सामने से ऐसा दिखता है, पीछे से बैग का लुक ऐसा है। आप प्रोफाइल चेक कर सकते हो, मिड प्रोफाइल बैग है ये, और शेप देख सकते हो गाइस। आप शेप देखो, एक बहुत ही अच्छा शेप दिया गया है बैग को। और गाइस, आप यहाँ से ग्रेन्स चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 7-8 के आसपास इसका ग्रेन्स भी है। मतलब बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बैट है, दिखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और ये एक्सीलेंट पिकअप एंड बैलेंस के लिए जाना जाता है ये बैट। और बैट जो है वो सुपरलेटिव कश्मीर विलो बैट है। और गाइज, अभी आता है इसके हैंडल में। हैंडल जो है इसका पूरा सिंगापुरी केन हैंडल है, और इसका ग्रिप जो है ना, वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ग्रिप दिया गया है इसमें। इससे क्या होता है कि ग्रिप अच्छा मिल रहा है मुझे। और गाइज, इसका अगर वेट एंड बैलेंस का मैं बात करूँ, तो इसका वेट जो है करीब 1000 से 1100 ग्राम, क्योंकि गाइज ये एक ड्यूज बैट है। मैं आज टेनिस बॉल से इसका रिव्यू करूँगा, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ड्यूज बॉल से रिव्यू करूँ, तो आप कमेंट्स करो। अगर 500 कमेंट्स हो जाता है, तो मैं ज़रूर इस बैट से, लेदर बॉल से भी मैं रिव्यू करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और गाइज, इसका जो बैलेंस है, वो बैलेंस पूरा स्विच स्पॉट में है। बहुत ही खूबसूरत बैलेंस दिया गया है बैट में। और गाइज, अभी मैं इस टेनिस बॉल से चेक करूँगा कि बैट का क्वालिटी कैसा है, कनेक्ट होने के बाद कितना दूर ट्रेवल कर रहा है बॉल। तो चलिए देखते हैं। शॉट, तो गाइज मैंने बैट को यूज़ कर लिया, एंड बैट के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि गाइज इसका शेप, इसका बैलेंस, वेट इतना बढ़िया है। और गाइज, इसका जो ग्रिप है ना, इतना प्रीमियम क्वालिटी का ग्रिप है। इसके लिए क्या हो रहा है ना, मुझे ग्रिप करने में बहुत हेल्प हो रहा है, और खेलने में भी बहुत ईजी हो रहा था इस बैट से। ओवरऑल ये बैट जो है वो पूरा वैल्यू फॉर मनी है, बहुत कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। आप ज़रूर परचेस कर सकते हो चाहो तो। और मैं अगर इस बैट को रेटिंग करूँगा, तो 10 में से इसको 8-9 तो दे ही दूंगा, मतलब इतना अच्छा क्वालिटी का बैट है। और अभी देखने वाली बात यह है कि ये बैट ड्यूज लेदर बॉल से कैसे परफॉर्म करता है। तो उसके लिए आप जल्दी जाके 500 कमेंट कर दो, मैं ज़रूर इस लेदर बॉल से ये बैट का रिव्यू कर दूंगा। और गाइज, वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट्स करके बताना, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना, और गाइज चैनल पर ना तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीवाना हुआ मस्ताना।